नमस्कार, मैं नेहा मिश्रा, आप देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव। मोदी सरकार में आए ये नए नोट और सिक्के, इनके बदले रंग और आकार। अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना कार्यकाल पूरा करने वाले हैं, हमने यह जानने की कोशिश की है कि इन 5 सालों में सिक्के और नोटों के रंग, आकार और अनुभव में क्या बदलाव आए हैं। भारत सरकार पहली बार 20 रुपए का सिक्का जारी करेगी। यह सिक्का 12 कोणीय होगा, जिस पर अनाज के निशान होंगे, जो देश में कृषि क्षेत्र की प्रधानता को दर्शाएगा। इसके अलावा नई श्रृंखला के 1, 2, 5 और 10 रुपए के सिक्के भी जारी किए जाएंगे। 7 मार्च 2019 को 10 रुपए के नए सिक्के का ऐलान, 5 जनवरी 2018 को नए चॉकलेट ब्राउन कलर के नोट जारी हुए। नए नोट 19 अगस्त 2019 को 50 रुपए के नए नोट का ऐलान हुआ। हल्के नीले रंग के नोट के पीछे हम्पी रथ का चित्र है। 7 मार्च 2019 को पहली बार 20 रुपए के सिक्के का ऐलान हुआ। 14 नवंबर 2018 को 75 रुपए का नया सिक्का जारी किया गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा पहली बार पोर्ट ब्लेयर में तिरंगा फहराए जाने की 75वीं वर्षगांठ की याद में यह जारी किया गया था। 19 जुलाई 2018 को लेवेंडर कलर के पहले के 100 रुपए के नोट जारी किए गए। नए नोट के पीछे गुजरात स्थित रानी की वाव को दर्शाया गया है। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस 25 दिसंबर पर 100 रुपए के नए सिक्के जारी किए गए। 25 अगस्त 2017 को चमकदार पीले नारंगी 200 रुपए के नोट जारी किए गए, जिसके पिछले हिस्से पर सांचे के स्तूप का चित्र है। नोटबंदी में पुराने 500 के नोटों को बंद करने के बाद 10 नवंबर 2016 को नए नोट जारी किए गए, जिसके पीछे लाल किले का चित्र है। नोटबंदी के ऐलान के बाद पहला 2000 रुपए का नोट मजेंटा कलर में जारी हुआ। यह 500 के नोटों के साथ 20 नवंबर 2016 को आया। इसके पिछले हिस्से पर देश के पहले अंतर्ग्रहीय अंतरिक्ष मिशन मंगलयान का चित्र है। कॉइनेट एक्ट 1906 के तहत भारत सरकार को सिक्के जारी करने का अधिकार है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के सेक्शन 22 के तहत RBI को नोट जारी करने का एक अधिकार प्राप्त है। खबरों में आज के लिए इतना ही। MNS न्यूज लाइव देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड कर चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।